मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इस उम्मत का फितना माल है ये सारी बातें इससे पहले हल्के में ज़िक्र की गई हैं यहाँ इस हल्के में बतौरे बतौरे वजाहत एक बात खास तौर पर आपके सामने अर्ज़ करनी है वो ये है कि माल फितना है इस उम्मत का लेकिन फितना किसके लिए है ये फितना ये माल फितना हर एक के लिए नहीं है हर सूरत में नहीं है किसी बंदे को अल्लाह तबारक व तारा ने अगर माल अता फ़रमाया है तो वो माल हर बंदे के लिए फितना हो ऐसा नहीं है बल्कि जिस बंदे ने उस माल के हक को अदा नहीं किया उस सिलसिले में उसके तई अपनी शरीयत की ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाया और उस हवाले से जो कुछ भी मुनकरात होते हैं उन मुनकरात में वो पड़ गया तो ऐसे शख्स के लिए वो माल फितना है लेकिन अगर किसी बंदे को अल्लाह तबारक तारा ने माल अदा फरमाया और उस माल को उसने कमा हकू उस माल में उसने कमा हकु तसरफ़ किया हलाल रास्ते से कमाया हलाल रास्तों में ख़र्च किया अल्लाह तबारक व की तरफ से जो माल का हक तय कर किया गया है उस हक़ को उसने अदा किया जैसा कि हजरत के अकबर रजी अल्लाह तु ने कहा था कि ज़कात जो है ये माल का हक है ये माली हक है अल्लाह तबारक वाल ने इस उम्मत पर ये ज़क़त फ़र्ज़ करार दी है तो अब अगर कोई शख्स इस इस को अदा करे और इस हवाले से जो कुछ भी पाबंदियां शरीयत में उसके ऊपर लगाई गई हैं उस उन पाबंदियों के मुताबिक अमल करे तो यह माल उसके लिए फितना नहीं होगा मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों ये माल उस उस शख्स के लिए फितना है जो इस माल को सूद के जरिए से हासिल करे चोरी के जरिए से हासिल करें डकैती के जरिए से हासिल करे या किसी को धोखा दे करके फरेब दे करके या और दीगर जो हराम और नाजायज सूरतें माल कमाने के लिए हो सकती हैं इन तरीकों से अगर कोई आदमी माल कमाता है तो बिलाशुबा ये माल उसके लिए फितना है इसी तरीके से मेरे भाइयों दीन के जो फरज़ और वाजिबात हैं जिनमें माल को खर्च करना अल्लाह तबारक वाल की तरफ से हुक्म है तय कर दिया गया है अगर आदमी उसमें माल खर्च न करे माल सर्फ़ न करे बल्कि अल्लाह तबारक वाली के जो बंदगान हैं फ़रा मसाकिन मोहताजन जो ज़क़़ात के फंड बताए गए हैं उन मुस्तिन में अपनी ज़क़़त अगर वो ख़र्च न करे बंदगान के हकूक अदा न करे तो ऐसी सूरत पर यह माल उसके लिए फितना होगा मेरे भाइयों। लेकिन अगर कोई शख्स माल को हलाल तरीके से कमाता है अल्लाह तबारक वाली की मर्ज़ियात में और उसके पसंदीदा रास्तों में खर्च करता है अल्लाह तबारक वाली के बंदगान के हकूक़ अदा करता है और अपने माल के ज़रिए से उम्म की जड़ों को मजबूत करता है और उम्मत के तकाजों को पूरा करता है और इस तरीके से अल्लाह तबारक वाल की राह में जिहाद का जो बहुत बड़ा मिशन है उसके तकाज़ों में भी अपनी अपने माल को वो खर्च करता है तो मेरे भाइयों ये माल उसके लिए फितना नहीं होगा बल्कि माल उसके लिए अल्लाह तबारक वाली की तरफ से एक आतिया होगा एक नेमत होगा ये माल और ये अल्लाह तबारक वाल की तरफ से एक उसे नवाजिश के तौर पर मिला होगा और अल्लाह तबारक व तरफ से उसके लिए ये बतौर रहमत मेरे भाइयों माल होगा इसलिए उसे चाहिए हमें चाहिए कि इस बात को हम समझें कि फितना हर एक आदमी के लिए नहीं है लेकिन फितना लेकिन माल फितने में पड़ने का सबब है और बड़ी तादाद उम्मत की माल के फितने में पड़ जाएगी उसकी आजमाइश में उलझ जाएगी और फितने में वो कामयाब नहीं हो सकेगी आजमाइशों में वो कामयाब नहीं हो सकेगी इसीलिए अल्लाह के नबी आल सलाम ने फ़रमाया कि इस उम्मत का फितना माल है इस हवाले से हज़रत आमन आस रज़ी अल्लाह की मशहूर हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जो 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 रवायत मरवी है इस हवाले से वो बहुत ही अहम है और उसी बात समझ में आती है कि अल्लाह के नबी अली सलाम ने माल के हवाले से ये बात बयान फरमाई है कि अगर आदमी नेक है और नेक माल है सालह माल अच्छा माल और अच्छा आदमी साल इंसान और साल माल हो तो ऐसी सूरत में ये माल उसके लिए नेमत है क्यों इसलिए कि वो माल हलाल तरीके से कमाया गया है और उसे उस पर तसरफ करने वाला भी जो मुसलमान है वो भी सालह है वो भी नेक है और ला तबारक व ताल की मर्जियात के मुताबिक माल को ख़र्च करता है इसलिए वो माल फितना नहीं है इसीलिए अल्लाह के नबी आ सलाम ने फ़रमाया था या अमर नजुलिस ना रजुलसाल अल्लाह के नबी आर सलाम ने फरमाया अमर माल क्या ही अच्छी चीज है अच्छा माल क्या ही अच्छी चीज है अच्छे आदमी के लिए यानी ये ये माल हलाल माल हो और आदमी उसमें जायज़ और सही तसरफ करता हो माल के हकूक को अदा करता हो तो ऐसे सूरत में ये माल आदमी के लिए नेमत है तो मेरे भाई जो खुलासा उसका ये है कि माल इस सूरत में फितना होगा कि इंसान उसे गलत रास्तों से कमाए गलत रास्तों में खर्च करे अल्लाह के हकूक अदा न करे अल्लाह के बंदगान के हकूक़ अदा न करे जा करके यह माल बहरहाल आदमी के लिए फितना होगा लेकिन यह माल हलाल रास्तों से आए और हलाल रास्तों में खर्च हो अल्लाह और उसके दीन और उसके बंदगान के हकूक उसके जरिए से पूरे किए जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को इसके हवाले से अदा किया जाए तो यह माल फितना नहीं है आजमाइश नहीं है बल्कि यह माल बंदे के लिए नियमत है अल्लाह तबारक को ताला की तरफ से अतिया और रहमत है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों तो यह नुकता हमें जहन में रखना चाहिए इसीलिए हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम माल अगर अल्लाह तबारक को तला की तरफ से पाएं और हमें अल्लाह तला खुशहाली फरमाए हमारे पास माल की फरावानी हो अच्छी कमाई हो अच्छी इनकम हो और तिजारत अच्छी चल रही हो वसाइल माल की आमदनी के कई एक हो जाए तो ऐसी सूरत में हम इस हदीस को अपने सामने रखें कि ऐसा ना हो कि माल हमारे लिए फितना बन जाए बल्कि अपने आप को माल की फितना सामानी से बचाने की कोशिश करें कहीं हलाल के रास्ते के बजाय हराम रास्ता ना आ जाए कहीं गलत तसरफ ना हो जाए कहीं सूद के रास्ते से ना कमाएं चोरी डकैती के रास्ते से ना कमाएं दो नंबर चार नंबर के रास्ते से माल न कमाएं जिसको गलत रास्ता कहा जाता है इसी तरीके से उसे सही रास्ते में खर्च भी करें फजूल खर्ची ना करें उसे उसे यूं ही बेजा ना उड़ाएं और उस हवाले से जो ज़क़त अल्लाह तबारक ताली की तरफ से फ़र्ज़ होती है पूरे अहतमाम के साथ अच्छी तरह से हिसाब लगा करके कितना उसके ऊपर ज़क़ात फ़र्ज हो रही है उस जक़ुत को वो अदा करें तो मेरे भाइयों और हम अगर इस तरह से कर लें तो इन श्ला तबारक वाली ये माल हमारे लिए फितना नहीं होगा बल्कि अल्लाह तबारक ताल की तरफ से अतिया होगा और ल इन शकर तुम लजीदुम वला इन कफ़र तुम इन आदाबी लशदीत के हुक्म में शामिल हो जाएगा तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताल हमें इस बात की फ़िक्र अता फ़रमाए कि हम अल्लाह तबारक व तौ के दे माल को अपने लिए फितना बनने से चाहें और उसे फितना न बनने दें बल्कि उसे अपने लिए अल्लाह तबारक ताल की नहमत अल्लाह की रहमत और अतीये के तौर पर उसे बना लें और उसी तरह से उसे उसे इस्तेमाल करें अल्लाह ताला हमें खैर की तोफीक अता फ़रमाए और माल की आमदनी पर हमें आज़ाद होने से बचने की तोहफ़ी ख़तः फरमाए आमिन आलमीन वसम वार नबीर महम्मद वाली वसाभिन अलिकम वरह वक्त